दोस्तों आज की कहानी है मौसी जी हम अपनी मम्मी जैसी बेवकूफ नहीं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। कनिका को अपने आने की खबर तो कर देती, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें सरप्राइज देने की चक्कर में खुद सरप्राइज्ड हो जाए। मीनाक्षी का पति उसे समझाते हुए बोला, नहीं मैं तो उसके चेहरे पर अचानक से मुझे देखकर आने वाली खुशी देखना चाहती हूँ। अच्छा अब मैं चलो, आप भी वहाँ पहुंचकर मुझे खबर दे देना और अपना ध्यान रखना। मीनाक्षी अपना बैग लेकर बाहर निकलते हुए बोली, मीनाक्षी का पति 2 दिन के लिए ऑफिस की ओर से टूर पर जा रहा था और उसके दोनों ही बच्चे बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे थे। वैसे तो उसकी छोटी बहन उसकी शहर में रहती थी लेकिन मिलना जुलना कम हो पाता था। एक तो घर गृहस्थी का चक्कर, दूसरा कनिका के पति और सास को उसे मायके वालों का वहाँ आना जाना कम ही पसंद था। 2-3 पहले मीनाक्षी की कनिका से बात हुई तब कनिका की आवाज़ से लग रहा था कि कुछ सही नहीं है। मीनाक्षी ने मिलने जाने के लिए कहा तो कनिका हंसते हुए बोली, अरे दीदी घबराओ मत, मैं ठीक हूँ, हल्का फुल्का बुखार है, दवाई ले लिए, शाम तक सही हो जाऊँगी। कल ही उसके पति ने ऑफिस दूर के बारे में बताया तो उसने कनिका से मिलने का प्रोग्राम बनाया। पता था उसके पति व सास को अच्छा नहीं लगेगा लेकिन कनिका की खुशी के लिए वह उनकी बेरुखी सह लेगी। वैसे भी इस बार रक्षाबंधन पर भी गांव से मिलना हुआ। उसने दोपहर तक कनिका का इंतजार किया लेकिन वह देर शाम तक ही मायके पहुंची, तब तक वह वापस आ गई थी। कैब में बैठे बैठे मीनाक्षी अतीत की गलियारों में पहुंच गई। दोनों बहनों में 2 साल का ही अंतर था, बहनें कम सहेलियों ज़्यादा थी। वो दोनों पढ़ने लिखने में दोनों ही बहुत होशियार थी लेकिन कनिका को पढ़ाई के साथ साथ सिलाई बुनाने का भी बड़ा शौक था। जहां उसकी शादी प्राइवेट बैंक मैनेजर से हुई वहीं कनिका की शादी मनी से हुई जो सरकारी विभाग में UDC के पद पर कार्यरत था। दोनों ही बहनों को घर बार अच्छा मिला। अब माँ पिताजी तो ये सोचकर बहुत खुश थे लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिन टिक ना सकी। कनिका का परिवार संयुक्त था जिसमें सास ससुर जेठ जेठानी देवर और एक ननद थी। जेठ जेठानी तो उसकी शादी के थोड़े दिनों बाद ही अलग हो गए। सारे परिवार के काम की जिम्मेदारी अब कनिका पर आ गई थी। इतना काम करने पर भी उसका पति सास व ननद का व्यवहार उसके साथ अच्छा न था। उसकी सास छोटी छोटी बातों पर कलेश करती, वहीं पति भी लड़ने झगड़ने गाली गलौज और यहाँ तक कि हाथ उठाने में भी गुरेज ना करता। शुरू के 1.5 साल तो कनिका ने ससुराल की बातों पर पर्दा डाले रखा। इस बीच में एक बेटी की माँ बन गई थी, वह तो अभी ना भी बताती लेकिन अब उसके पति वो सास ने अति कर दी थी। कनिका के पिताजी भाई को जब तो ये बात पता चली तो वह वहाँ गए और इस बारे में बात की। तब उसके ससुर ने विष बसाव करते हुए हाथ जोड़ समझौता करने के लिए कहा और बोले, आगे से ऐसा नहीं होगा, बेटी की जिंदगी का सवाल था। शादीशुदा बेटी को घर पर बैठाना इतना आसान का और वो भी एक बच्चे की माँ। इसी तरह 1.5 साल और निकल गया और कनिका की गोद में एक बेटी और आ गई। दूसरी बेटी होने के बाद सास व पति ने फिर से अपना वही रूप धर लिया। कनिका अपनी बेटियों की खातिर सबको बर्दाश्त कर रही थी। कितनी बार माँ पिताजी ने उसे इस रिश्ते को तोड़ वापस लाने का प्रयास किया लेकिन हर बार वह अपनी बेटियों के बारे में सोचने से मना कर देती। दिन बीत रहे, उसकी ननद व देवर की शादी हो गई और कनिका ने एक बेटे को जन्म दिया। सबने यही सोचा कि पोता व छोटी बहू आने से उसकी सास कनिका के प्रति नरम हो जाए लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इसका सबसे बड़ा कारण कनिका का पति था। उसे परिवार में अपने भाई बहन सबकी फ्रीक थी।
केवल अपनी पत्नी को छोड़ जब पति साथ ना दे तो दूसरों से क्या उम्मीद। मीनाक्षी को आज भी याद है, गर्मियों की छुट्टियों में वो मायके आई हुई थी। एक दिन कनिका के ससुराल से किसी का फोन आया, सुनकर पिताजी व उसका भाई दौड़े गए। जाकर देखा तो उसके पति ने कनिका को इतनी बेरहमी से पीटा हुआ था कि वो लहलुहान। उस पर भी उसके सास अपने बेटे का पक्ष लेते हुए कनिका में कमियां निकाल रही थी। अब शायद कनिका की सहन शक्ति भी जवाब दे चुकी थी। वह भी इस बार बच्चों को छोड़ मायके आ गई, लेकिन अभी उसे आए 2 दिन भी ना हुए थे कि उसे वापस अपने बच्चों के पास जाने के लिए रट लगा दी। सबने उसे कितना समझाया कि कुछ दिन यहीं रहो, तभी तुम्हारी ससुराल वालों को अकल आएगी। करने दो उन्हें घर का काम अकेले और पालने दो बच्चों को। तुम माँ हो तो वो भी तो उनका बाप है, पता तो सदे कि बच्चे कैसे पाले जाते और काम कैसे होता है। लेकिन कनिका ने किसी की ना सुनी, उसे बस अपने बच्चों की फ्रीक और उनकी फ्रेक में उसने खाना भी छोड़ दिया। बस एक ही रट लगा रखी थी कि मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे उनके पास ही जाना। इसमें मेरे बच्चों की क्या गलती, उसकी जिद के आगे किसी की ना सली। और आखिर में उसका भाई उसे छोड़ कर आया। की सास व पति ने कितनी बातें सुनाई थी उसके भाई को कि बहन को 2 दिन ही रखना भारी पड़ गया। उस दिन के बाद कनिका ने कभी भी अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के बारे में नहीं बताया। साल में 1-2 बारी वह मायके आती थी और वह भी अकेले कैब के रुकने से उसकी तंत्रा टूटी। पैसे दब कनिका के दरवाजे पर दीदी उसे सामने दे कनिका की दोनों बेटियां एकदम से सका पका गई और भी संभलते हुए उसे नमस्तक और अंदर ले गई। मीनाक्षी को उनका व्यवहार कुछ अजीब लगा। अपनी बड़ी बहन को सामने दे कनिका भी एक बार तो हैरान रह गई, फिर खुश होते हुए बोली, मीनाक्षी तू अरे तूने तो खबर भी नहीं दी आने के। कहते हुए उसके गले लग गई। खबर तो परायों को करते, मैं तो अपनी और अचानक ना आती तो तेरे चेहरे की खुशी कैसे देख पाती। मीनाक्षी ने ध्यान से देखा कनिका का चेहरा उतरा हुआ था। इतनी सी उम्र में वह उम्र दराज लग रही थी। उसकी दोनों बेटियां अब 15-17 साल की हो चुकी थी। वह दोनों उनके लिए शाही पानी ले आए। शाही पीते हुए अचानक से कनिका के सिर पर थका हुआ दुपट्टा फिसल गया। मीनाक्षी की नजर उसके सिर पर बंधी पट्टी पर गई तो वह सोचते हुए बोली, कनिका ये तेरे सिर पर सोट कैसे, कुछ नहीं दीदी फिसल गई थी। ऐसे कैसे फिसले कि सिर के ऊपर सोट आई, अपनी बहन से छुपा रही है, सच सच बता क्या बात है, कहीं इसलिए तो मुझे आने के लिए मना कर रही थी क्या। मनीष ने मीनाक्षी उसके पास बैठ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए प्यार से बोली, कनिका अब तू सुप ना रह सकी। उसकी आंखों में ठहरा हुआ दर्द आंसुओं के रूप में बह निकला और उसने रोते हुए बताया, कल मेरी सास आई थी और छोटी सी बात का बतकर ना बना रोने लगी। अपनी माँ को रोता देख वह गुस्से से इतने पागल हो गई कि मेरी बात सुने बगैर राजू का बेट उठाकर मेरे ऊपर चढ़ गए। सुनकर मीनाक्षी के होश उड़ गए। कोई इतना भी राक्षस हो सकता है क्या। मीनाक्षी ने जब कनिका की बेटियों को कहा कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अपने पापा व दादी को क्यों नहीं रोकती और समझाती, अच्छा लगता है क्या कि वह तुम्हारी माँ पर हाथ उठाएं, तो वो दोनों समझने की बजाय गुस्से से नाराज होते हुए बोले, मौसी जी आप मम्मी को क्यों नहीं समझाती, सारी गलती मम्मी की, क्योंकि दादी के मुंह लगती है। हमारे पापा सारा दिन ऑफिस में कितना काम करते, थक हार कर घर आए और फिर ये सब सुनने को मिले तो किसे गुस्सा नहीं आएगा। अरे मम्मी सुबह साहब अपनी गलती मान बातें क्यों नहीं खत्म करती, सच को मम्मी बहुत बहस करती है तो किसे गुस्सा नहीं आएगा। गलती ना होते हुए भी अपनी गलती मान ले, तुम्हारी माँ कल को तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हारे साथ कोई ऐसा सलूक करे तो मौसी जी हमें मम्मी जैसे बेवकूफ नहीं, हमें पता है कहाँ बोलना है और कहाँ सूप रहना है, हम सब संभाल लेंगे।
ने दोनों लड़कियों की बात सुन मीनाक्षी अवाक रह गई। जिन बेटियों को कभी उसकी दादी व बाप ने गोद में नहीं लिया वह दोनों आज उन्हीं का पक्ष ले रही थी। और जिस माँ ने उन बेटियों की खातिर इतना जुल्म बर्दाश्त करते हुए अपनी पूरी जिंदगी स्वाह कर दी उसके प्रति उन्हें तनिक भी सहानुभूति नहीं, उल्टा वह तो उसे ही कसूरवार ठहरा बेवकूफ बता रही थी। बेटियां तो माँ की होती उसका हमसाया, लेकिन जिसका हमसाया उसका साथ छोड़ जाए फिर वह क्या करे। मीनाक्षी ने कनिका की तरफ देखा मानो पूछना सारे की आखिर क्या मिला तुम्हें। जिन बच्चों की खातिर तुमने अपनी जिंदगी दाव पर लगा दी वह बच्चे ही तुम्हें कसूरवार ठहराए। माँ पिताजी की बात मान लेती तो शायद, लेकिन सारे प्रश्न मीनाक्षी की भीतरी घोट कर रह गए। वह कुछ भी कह कर वह कनिका की पीड़ा और बढ़ाना नहीं चाहती थी। कनिका सुप थी लेकिन उसने मीनाक्षी की आंखों में सभी प्रश्न पढ़ लिए थे और उसका एक ही जवाब था कि वो माँ औलाद बुरी हो सकती है, माँ नहीं। मैंने अपना फर्ज निस्वार्थ भाव से निभाया, आगे ईश्वर की मर्जी। दोस्तों क्या कनिका का वापस ससुराल जाने का फैसला सही था या उसे अपने माता पिता की बात मान लेनी चाहिए।